हे गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब गाइस। जो आज का वीडियो काफी शॉकिंग वीडियो है। अभी न्यूज निकल के आई है कि आफ्टर मालदीव्स बांग्लादेश बैनिंग इंडिया। यार क्यों बांग्लादेश क्यों बैन कर रहे हैं? ऐसे शॉकिंग है कि भाई बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे थे और पता नहीं एकदम क्या हुआ है। वीडियो में जानेंगे। गौरव ठाकुर का वीडियो देख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट। ये 1971 क्यों बांग्लादेश इंडिया का एक और सबसे बड़ा रीजनल अलाय अब इंडिया को बॉयकॉट कर रहा है। यस, मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश में हैशटैग इंडिया आउट, हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और हैशटैग बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड पर है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हाल ही में मजाक उड़ाया था। बट यहां पर दोगलापन यह है कि सबसे 8 से 10 दिन पहले ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया को बांग्लादेश का ग्रेट फ्रेंड और नेक्स्ट डोर नेबर कहा। 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया? बैन कर दिया इसको। इनफैक्ट जब मालदीव्स ने इंडियन पीएम का मजाक उड़ाया तब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव्स को ओपनली कंडेम भी किया था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आर यू कंडेमिंग इट? ऑफ कोर्स वी डू। एंड नॉट जस्ट दिस, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हमेशा इंडिया की तारीफ ही करते रहते हैं। वी बिलीव शी यू सी वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। इट इज बिकॉज़ ऑफ द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो फिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सुर एकदम से बदल गए और वो इंडिया को बॉयकॉट करने लगे? वेल, इस पूरे फसाद की जड़ में है एक बहुत ही गहरी साजिश जो हमने आपके लिए पूरी तरीके से डिकोड किया है ताकि आपको पूरा मामला समझे। सो वीडियो को एंड तक देखना वरना आप आधी अधूरी कहानी ही समझ पाओगे और ब्लेम गेम में फंस जाओगे। लेट्स बिगिन। So 8th January 2024 को एक फेमस बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल रिवोल्ट ये ट्वीट शेयर करता है। इसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकाल। इस पोस्ट के बाद अगले कई दिन नजर लगा दी इसने एंटी इंडिया ट्वीट्स पोस्ट करते रहता है। इनफैक्ट 18 जनवरी को हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन भी यही सेम चैनल शुरू करता है। अब इस रिवोल्ट चैनल का नाम ना याद रखना क्योंकि एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी से कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको कुछ ही वक्त में बताऊंगा। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करते ही कई प्रोमिनेंट बांग्लादेशी भी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे और इस ट्रेंड में बांग्लादेश के आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों में इन प्रोमिनेंट फेसेस को इस कैंपेन में जुड़ता हुआ देख आम बांग्लादेशी भी इन्फ्लुएंस हो गए और वो इंडिया आउट के ट्वीट्स करने लगे और इवेंचुअली बांग्लादेश में मालदीव्स की ही तरह ये ट्रेंड करने लग गया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि कुछ ही 8 से 10 दिन पहले उनके पीएम ने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड बताया था। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh, so India we consider our next door neighbor. और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया के सपोर्ट में मालदीव्स को कंडेम किया था। Honorable Prime Minister of India, this is not acceptable. Of course you do. So, फिर अचानक से ये दोगलापन कहां से आ गया? Well, इसके लिए समझते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन आखिर शुरू कहां से और क्यों? क्योंकि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना जी 4th term के लिए बांग्लादेश की पीएम बनी, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया की मदद से इलेक्शन को रिग किया। यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन में घोटाले किए और इस वजह से वो पीएम बनी। इसी का विद्रोह करने के लिए फिर बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने हैशटैग इंडिया आउट कैंपेन चालू कर दी, जिसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य जो बांग्लादेश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सबसे इंपॉर्टेंटली बीएनपी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर इसी बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया। अब फ्रेंड्स, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती बल्कि यहां से तो शुरुआत है। इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडिया फोर्सेस। बाय द वे, क्या आपको पता है ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा है और इसे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान चला रहे थे। यूरेशियन टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ही 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के इलेक्शन को जीती, तारिक ने अपने पार्टी मेंबर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो बिल्कुल मालदीव्स जैसे ही इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करें। अब तारिक के इस ऑर्डर को देते ही तुरंत और उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब याद है मैंने शुरू में बताया था रिवोल्ट इस पेज को याद रखना। सो इसी पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पुटनिक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल कोई और नहीं बल्कि
एनडीपी का माउथपीस ही है और इसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तारिक के ऑर्डर्स पर ही इसी पेज ने इंडिया आउट बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड की शुरुआत की। अब क्या आप जानते हो तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? Well, इसका जवाब उनके फैमिली लिनिएज में छुपा हुआ है। तारिक मेजर जनरल ज़िया-उर-रहमान का बेटा है जो पाकिस्तानी पाकिस्तान भी आगे पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी। इनफैक्ट उन्होंने 1965 में इंडिया के खिलाफ वॉर भी लड़ा था जिसके लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए अब समझ लग रही है हमें। 1978 में ज़िया-उर ने ही बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी बनाई एंड यू नो व्हाट सारा खेल समझ आ गया। इस पार्टी ने हमेशा पावर में आने के लिए ऑपोजिशन पार्टी वालों का मर्डर किया है। दरअसल 1975 में खुद बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ज़ियाउर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था और उनका मर्डर करने के बाद ज़ियाउर बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। नाउ क्योंकि ज़ियाउर इंडिया से काफी ज्यादा हेट करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा अलाय मानते थे, इसीलिए ज़ियाउर ने पावर में आते ही एंटी इंडियन नैरेटिव फैलाना शुरू किया और लोगों में इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट डालना शुरू किया। इस रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और जहां पहले बांग्लादेशी सिटीजंस को बंगाली बोलते थे उसे अमेंड यानी चेंज करके उन्होंने बांग्लादेशी टर्म इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं के टेन्योर में जो बांग्लादेश एक सेक्युलर देश हुआ करता था वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और इसके बाद एज यू कैन इमेजिन इनके टर्म में बांग्लादेशी हिंदूज को वहां पर खूब सप्रेस किया गया। एंड नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अभी तक बीएनपी पार्टी तीन बार पावर में आई है 1991, 1996 और 2001 बट इन तीनों इलेक्शंस में एक कॉमन पैटर्न है। इलेक्शन से एक साल पहले बीएनपी हमेशा से बांग्लादेश में एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट करवाती और ऐसा ही करके उन्होंने तीन बार इलेक्शंस जीते भी है जिनमें से 2001 का एंटी हिंदू मैसेकर काफी दिल दहला देने वाला था। संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में बीएनपी के लीडर ज़ियाउर रहमान की वाइफ खालिदा बेगम और उनके बीएनपी पार्टी वर्कर्स ने 150 दिन का कंटीन्यूअस हिंदू मैसेकर करवाया था और जब इस मैसेकर के इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिश की उसमें पता चला कि उन 150 दिनों में इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें अनफॉर्चुनेटली 1,000 हिंदू औरतों का रेप और 200 औरतों का गैंग रेप हुआ था और करीब 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए थे। This is so unfortunate. लेकिन ऐसे ही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का यूज करके बीएनपी बांग्लादेशी मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करके उनके वोट्स अपने साइड करते आ रही है। सबसे घटिया ट्रिक। यहाँ पर आपने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की, ये तारिक रहमान बीएनपी पार्टी का चेयरमैन है फिर भी वो लंदन में रहता है और वहीं से पार्टी को संभालता भी। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों? Well, इसके पीछे ना कुछ काफी कंसर्निंग रीजंस हैं। So, जैसे मैंने बताया बीएनपी पार्टी लास्ट इलेक्शन 2001 में जीती थी और उसके बाद से शेख हसीना जी वहां पर इलेक्शंस जीतते आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शेख हसीना जी ने जब से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंट्री ली है तब से वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह रेडिकलाइजेशन के बजाय डेवलपमेंट के और इससे बांग्लादेशी इकोनॉमी में क्लियर इंप्रूवमेंट्स भी दिख रहे हैं और शेख हसीना जी के इसी अप्रोच के वजह से बीएनपी की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। इस गिरती पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2004 में तारिक ने हसीना जी पर एक असैसिनेशन अटैक प्लान किया। हुआ कुछ यूं, 21 अगस्त 2004 में शेख हसीना जी बांग्लादेश के एक सिटी में एंटी टेररिज्म को लेकर स्पीच दे रही थी तभी तारिक और उसके 19 साथियों ने हसीना पर कई हैंड ग्रेनेड्स फेंके। इस अटैक में हसीना जी इंजोर हो गई और उन्हें पार्शियल हियरिंग लॉस हो गया पर वो इस अटैक से अभी पता चला मुझे ऐसे करके बच मुझे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें उनके पार्टी के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक के लिए ढाका कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि तारिक ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये पूरा टेररिस्ट अटैक प्लान किया और तारिक ने इस अटैक और इस क्राइम के लिए कोर्ट ने तारिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई। ये सजा डिक्लेयर होते ही तारिक लंदन भाग। इनफैक्ट सारे चोर क्रिमिनल लंदन में रहने लगे। नेशनलिस्ट पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी लेकिन तब से लेकर आज तक तारिक लंदन से पार्टी को संभाल रहा है और अब रिसेंटली हो रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में इंडिया के इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बट यू नो व्हाट, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर।
बांग्लादेशी न्यूज मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार तारीख तो सिर्फ फेस है। इस पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने की साजिश और भी गहराई तक जाती है। इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे एट द वेरी रूट पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो बांग्लादेश को वापस से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। सो रिनाउंड बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी डेली सन के ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रिस्क्रिप्शन पर BNP पार्टी चला रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब भी तारीख को कोई भी पॉलिटिकल या पार्टी रिलेटेड डिसीजंस लेना होता है तो वो ISI को कॉल करके उनसे सलाह मशवरा डिसीजन लेता है। इसका प्रूफ ने बताया कि 2019 बांग्लादेश इलेक्शन में इससे क्या हाथ खड़े कर दो ISI प्रेफर्ड 300 कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन के टिकट्स दिए थे। कैन यू बिलीव दिस? डायरेक्टली ISI उनके कैंडिडेट्स चुनती है। सो बेसिकली इस पूरे षड्यंत्र में पाकिस्तान का ये फायदा है कि BNP को सपोर्ट करके पाकिस्तान अपनी पपेट गवर्नमेंट बांग्लादेश में इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, उसकी 1971 में खोई हुई टेरिटरी वर्चुअली उसी के कंट्रोल में दोबारा आ जाएगी, और दूसरा, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी कंटिन्यूस इंसर्जेंसीज इजीली फैला सकेगा। इनफैक्ट जब 2001 में BNP पावर में थी तो एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी न्यूज के रिपोर्ट के हिसाब से तारीक आसाम बेस्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा इंसर्जेंट ग्रुप को ISI के ऑर्डर्स पर फाइनेंशियल और आर्म्स प्रोवाइड करके सपोर्ट करता था। मतलब इन शॉर्ट, तारीक इंडिया भर में टेररिज्म फैला रहा था। सो ये थी बांग्लादेश ऑपोजिशन पार्टी द्वारा चलाई गई इंडिया आउट कैंपेन की पूरी स्टोरी। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। बेसिकली इस वीडियो से मुझे ये मैसेज कम्युनिकेट करना था कि इससे हम साफ समझ सकते हैं कि हमारे नेबरहुड कंट्रीज में फ्रेंडली सरकार होना हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड माय पर्सनल ओपिनियन इज हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें उन देशों की इलेक्शन प्रोसीजर में अगर इन्वॉल्व भी होना पड़े तब भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट ये बात हमारे कौटिल्य also known as चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में कही है हजारों साल पहले। So, इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अब आज की तारीख की अगर हम बात करें तो पूरा देश लिटरली त्योहार मना रहा है, क्योंकि 500 सालों बाद देश में राम मंदिर बना है। इसके लिए हिंदुस्तानी इसे एक नेशनल त्योहार की तरह बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंडियन लीडर्स का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक के पैसे टोटल वेस्ट कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है इस मंदिर में सरकार की जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था? एंड यस, डोनेशन के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किए गए। आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोर्ट ने किन एविडेंसेस के बेसिस पर राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की परमिट। तो गाइस ये था वीडियो, काफी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से। अब पता चला कि जो शेख हसीना की करंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि 10 दिन पहले उन्होंने खुद कहा कि इंडिया हमारे साथ हाँ बेस्ट फ्रेंड है, और जो ये ओपोजिशन पार्टी है ये उसकी नापाक हरकत है। हाँ, वो कंपेन चला रही है और एक कंपेन ज्यादा टाइम तक चलनी भी नहीं। और मुझे तो अब पता चला कि उन पर अटैक भी हुआ था 2004 में और वो थैंक गॉड बच गई थी, नहीं तो पाकिस्तान जैसा हाल होना था बांग्लादेश, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को काफी डेवलपमेंट कि राह पे लेके गई है। जितना भी आज बांग्लादेश आ गया है वो सिर्फ उनकी वजह से, उनकी वजह से 2004 2004 से वो ही आ रही है हुकूमत में। और जो ये तारीख है मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, वो लंदन में बैठ के पार्टी चला रहा है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो ISI से रابطे में और उससे हर मशवरा कर रहा है, शायद इस वजह से उसकी 2004 के बाद हुकूमत नहीं है। मतलब यार मुझे ये है कि ISI शायद ना इसमें हो भी सकता है हो, लेकिन भाई हमें क्या पता। लेकिन अगर पाकिस्तानी मतलब ये सोच रहे कि बांग्लादेश में कि दोबारा गवर्नमेंट ऐसा है तो ये सीन नहीं होने वाला। पाकिस्तान पहले अपने पे ध्यान दे उसने किस तरह। और वैसे भी ISI इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है, 8 फरवरी के इलेक्शन को देख लिया वो कि किसमें जीतना है। तो गाइस ओवरऑल वीडियो ये था, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हाफिज़।